अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो पराठा, शकरकंद का पराठा, रतालू पराठा। स्वीट पोटैटोज बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएंगे। मैंने यहाँ पर 3 to 4 पीसेस बड़े वाले स्वीट पोटैटोज लिए हैं। एक बड़े कुकर में अच्छे से वॉश करके साफ़ करके लीजिए। पानी डालिए उसको बॉयल करने के लिए। 1 टीस्पून सॉल्ट डालिए। बॉयल कीजिए, 3 विसल लेके गैस को बंद कर दें। बॉयल होने पर पूरा पानी फेंक दीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम बैटर बनाएंगे, उसके लिए एक कढ़ाई लीजिए, गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पर। 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए, तेल। ऑयल गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा। एक हरी मिर्च बारीक चॉप करके डालिए। एक कड़ी पत्ते की डंडी, उसमें 7-8 करी पत्ते हो, उसको भी बारीक चॉप करके डालना है, इससे गैस प्रॉब्लम भी नहीं होती। 1 मिनट अच्छे से मिक्स करके लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। 1 मिनट अच्छे से उसको भून कर लें। 1 मिनट के बाद हम गैस को करेंगे लो फ्लेम पर। अब हम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून भुना हुआ धनिया ज़ीरा लाल मिर्च पाउडर डालें। अब गैस को कीजिए मीडियम फ्लेम पर और 1 मिनट के लिए उसको अच्छे से रोस्ट करके लें। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फाइनली चॉप किया हुआ प्याज। 2 मिनट्स ऑनियन को सॉफ्ट होने तक भूनिए। ऑनियन सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम लेंगे 2 कप्स बॉयल किए हुए पोटैटोज और 2 कप्स बॉयल किए हुए स्वीट पोटैटोज। उनको अच्छे से मैश करके प्लेट में रेडी करके रखिए। ऑनियन सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बॉयल एंड मैश किए हुए पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। 1.5 टीस्पून नमक डालिए। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके लीजिए। हमें साथ में डालना है 1/2 टीस्पून चाट मसाला। 3 से 4 मिनट हमें अच्छे से उसको मिक्स करके लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने चाहिए। गैस को बंद कर दें। अब हम इसमें डालेंगे अ हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कीजिए और रूम टेम्परेचर पर उसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अभी हम पराठों के लिए आटा गूंदेंगे। एक बड़ा वाला पराठ लीजिए, 2 कप्स मैदा लीजिए और 2 कप्स गेहूं का आटा, 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून साबुत अजवाइन। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और आटा गूंदिए। मुझे टोटल 1 कप एंड 1/4 कप पानी लगा है। 10 मिनट अच्छे से गूंद कर लें। थोड़ा सा तेल वाला हाथ लें और उसको अच्छे से ग्रीस कीजिए आटे को। अब हम उसको कवर करके ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे। बैटर ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल लीजिए और उसके स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाकर ले लें इस तरह से, और उसको एक प्लेट में रखते जाएं। सारे बॉल्स बनाकर रेडी करके ले लीजिए और उसको साइड में रखिए। पराठों को कैसे स्टोर करना है फ्रीज़र में, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। एक बड़ी वाली इस तरह से कैरी बैग लीजिए, उसको साइड में रखिए। दूसरी कैरी बैग लीजिए और उसको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में कट करके लीजिए। हमें सिंगल सिंगल पीसेस चाहिए। 1 by 1 करके हम रेक्टेंगुलर शेप वाली कैरी बैग रखते जाएंगे प्लेट में, और उसके ऊपर हम पराठा रखेंगे। वापस से हम दूसरी सेकेंड लेयर लगाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, वापस से 2 मिनट आटे को गूंद कर लीजिए। एक फ्लैट वाली प्लेट में थोड़ा आटा डस्टिंग के लिए रेडी करके लीजिए। आटे का एक लॉक बनाइए, इस तरह से एक बड़ा वाला लॉक बनाएं। और अब हम इसके पीसेस करेंगे इक्वल शेप्स में। एक एक पीस उठाइए और उसको बॉल शेप में कन्वर्ट करके ले लें। टोटल 11 बॉल्स रेडी हुए हैं। एक बॉल लीजिए, उसको ड्राई फ्लावर में डिप करके लें। पूरी जैसे स्मॉल राउंड शेप में उसको रोल करके लें। बैटर बॉल लीजिए और उसको मिडल में रखिए और इस तरह से उसको रैप करके लें। फोल्ड करके बॉल बनाएं, फिर स्लोली स्लोली हाथ से उसको प्रेस कीजिए और फ्लैट शेप में बनाकर ले लें। सूखे आटे में ड्राई फ्लावर में थोड़ा डिप करके ले लें।
स्लोली स्लोली उसको रोल कीजिए और रोटी शेप में, राउंड शेप में उसको पराठा बनाकर ले लें। इस तरह से कोई भी एक फ्लैट प्लेट लीजिए, उसके ऊपर क्लिंग फ्लेम या प्लास्टिक शीट रखिए, फिर हम उस पर पराठा रखेंगे। वापस से दूसरी प्लास्टिक शीट रखिए पराठे के ऊपर, सेम ऐसे ही दूसरा पराठा बना कर लें, वो भी इस तरह से पराठा रखें। वापस से हम रेक्टेंगुलर शेप वाली प्लास्टिक शीट रखेंगे, फिर बड़ी वाली जिप लॉक बैग और कैरी बैग लीजिए, उसके अंदर अपने पराठे की प्लेट को रखिए, फिर उसके साइड्स अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। पराठा रेडी है, उसको फ्रीज़र में 20 डेज के लिए स्टोर करके रखिए, जब चाहे तब निकालें और पराठा बनाएं। फ्राइंग पैन प्री हीट करके लीजिए 5 मिनट के लिए, गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पर, पराठा डालिए फ्राई करने के लिए। 2-3 मिनट बाद उसको टर्न कीजिए, 1 टेबलस्पून बटर डालें, घी डालें और उसको टर्न करें। वापस से 1 टेबलस्पून घी डालें, टर्न कीजिए। स्वीट पोटैटो पराठा इज रेडी नाउ, उसको बाहर निकाल के लें। गर्मा गर्म पराठे को सर्व कीजिए चटनी, दही और अचार के साथ। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Delicious!